नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने फिर किया आश्वस्त, जल्द लाएंगे नई नियोजन नीति, बीजेपी पर जमकर साधारण निशाना। बदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की नौजवान आश्वस्त रहे हैं, उनके लिए जल्द ही नई और संवैधानिक नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी बिहार के 40% लोग हमें बाहर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया, हर वर्ग का हित हो यह सोच भी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। तो वहीं एक बार फिर से कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार हर तरह से तैयार, बन्ना गुप्ता ने कही बड़ी बात। कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों में चर्चा करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अभी तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने इस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की मदद करने का भी आश्वासन दिया है। अचरेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस अवसर पर कोविड के नए वेरिएंट BF7 से बचाव एवं तैयारियों की समीक्षा हुई। राज्य हर उपस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। बचरेगी रांची में तेज रफ्तार बस से 22 बाइक सवारों को रौंदा, दो लोगों की मौत। ग्रामीण में की बड़ी मांग, बचरेगी रांची जमशेदपुर NH33 हादसों की जन सड़क पर बन चुकी है। रांची के रामपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, इससे घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 15 साल का बच्चा एवं एक अन्य शामिल है। मृतकों की पहचान सिंजू सेरंग निवासी अजय लगड़ा एवं चिंटू लोहरा शामिल है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन मंडू में उसे पकड़ लिया गया, बस को जब्त कर लिया गया है। जिले के सदन में झारखंड राज्य वित्त विधेयक 2022 पारित किया गया। सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। झारखंड राज्य सहित राज्य वित्तीय विधेयक सदन 2022 सदन में पेश किया गया, इसके बाद इसे पारित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। झारखंड विधानसभा अवशिष्टकालीन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस दौरान CAG की रिपोर्ट पेश की गई। वो हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। बचाले की सब झारखंड विधानसभा के स्थायी सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई। यह मामले विधायक विनोद कुमार सिंह ने राजस्व का मामला सदन में उठाया। इस मामले में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राजस्व की क्षति को लेकर कमेटी गठित की गई। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री साथी योजना क्या है, युवाओं को कैसे मिला इसका लाभ? जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं के हित में बड़े फैसले लेते हुए कई योजनाओं को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री साथी योजना नहीं इन्हीं में से एक है। इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साथी योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। अब तक राज्य में कौशल विकास सेंटर जिला मुख्यालय में ही चलते हैं। साथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर भी सेंटर खोले जाएंगे। निजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति में 50% पर झारखंड के निवासियों के लिए होंगे। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 2 और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें घाटशिला में सोना देवी विश्वविद्यालय और गढ़वा में बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय हैं। दोनों विश्वविद्यालय संबंधित विधेयक गुरुवार को झारखंड विधानसभा से पारित कराए गए थे। अब इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक इन विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन अपनी अवधि पूरी होने के बाद 5 वर्ष की एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं एक बड़ी खबर लेकर गया है, झारखंड सरकार ने नहीं दिया 1,00,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र। CAG ने जताई खर्च में गड़बड़ी की आशंका। झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 1,34,547.14 करोड़ रुपए में के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इस वजह से CAG ने इस राशि के खर्च में गड़बड़ी की आशंका जताई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने 91,270 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान करते हुए बजट तैयार किया था।
हालांकि बजट अनुमान के मुकाबले सरकार को 73,618 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हो सका है। सरकार द्वारा चल रही करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली आधारभूत योजनाओं का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। शीतकालीन में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। हिमाचल के झारखंड विधानसभा में 1932 खतियान के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने बीजेपी के सवाल पर सरकार ने दिया आज बड़ा जवाब। मजले की 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की यह पहचान का मुद्दा सदन में एक बार फिर गरमाया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को 1932 खतियान पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। विपक्षी विधायक वेल में पूछे गुस्से। पिछले दिनों भाजपा विधायक अमित मंडल ने सवाल किया था कि विधि विभाग ने 1932 के खतियान को लेकर आपत्ति जताई थी, इसके बाद भी सदन में इसे पास कराया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर लेकर के आ रही है, ICICI की पूर्व MD और CEO चंदा गोचर के उपपत्ति के साथ सहित CBI ने किया गिरफ्तार। ICICI की पूर्व MD और CEO चंदा गोचर और उनके पति दीपक गोचर को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी जांच एजेंसी CBI की एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि CBI ने वीडियोकॉन ग्रुप को ऋण देने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO एम चंद्रा गोचर और पति दीपक गोचर को गिरफ्तार किया है। तो यहीं आपको पता चले कि अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुक्त राशन। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जल केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। इस आबाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2,00,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है। बचले के झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन CM हेमंत सोरेन ने कहा, थाली में परोसकर नहीं मिला राज्य, हक मांगने पर ED को लगा देती है केंद्र सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सदन के अंतिम दिन विपक्ष के सभी लोग उठकर चले गए, शायद यह कड़ी बात सुनने के आदि नहीं है, हो भी सकते हैं। बचले के 20 वर्षों तक मखमल कि जिस घाट पर उन्हें प्रश्न में गुजरा है, धूप छाँव तकलीफ क्या होती है को कभी एहसास नहीं। गरीबी की मार, महामारी की मार, सूखाग्रस्त की मार क्या है होती है, इनका सामना इनको पढ़ना पड़ता है। बल्कि इसके इस तरह राज्य में राशन कार्ड लेकर लोग भात भात करके जान देते हैं, केंद्र हक मांगने पर ED लगा देती है। तो वहीं एक बड़ी खबर, चिंता करने की बात नहीं है, सावधान हो जाए, क्योंकि झारखंड में एक महीने के बाद मिला कोरोना का मरीज, रिम्स में भर्ती। चीन सहित कई देशों में बढ़ते COVID-19 संक्रमण के खतरे के बीच झारखंड में कोविड का एक नया मरीज मिला है। यह मरीज जमशेदपुर का रहने वाला है, वहीं इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद इसे रिम्स में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मरीज स्वस्थ है, बस एहतियातन भर्ती किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर, गंगा चयनित अभ्यर्थियों की सारी तरह दक्षता और मेडिकल परीक्षा ली जाएगी। रेलवे की लिखित परीक्षा में रांची के 13,133 अभ्यर्थी हुए सफल। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया है। इसमें रांची से 13,133 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षा ली जाएगी। मेडिकल के बाद अभ्यर्थियों के कागजात का वेरिफिकेशन होगा, तब मेरिट बिल लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं 277 अभ्यर्थियों को सारी दक्षता परीक्षा से छूट दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के चेयरमैन अनुप कुमार हेमरोम ने अभ्यर्थी से आग्रह किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और पूर्वतर उम्मीदवारों को योग्यता पर आधारित है। इसे दलालों, बेचौलियों और जॉब डायरेक्टर्स रैकेट से सावधान रहे। केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर में प्रकाशित परिणाम पर विश्वास करें। आगे की प्रक्रिया के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcser.co.in पर देखें। तो वहीं एक बड़ी खबर लेकर आ रही है, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने की गोंदला। ट्रेनों में खनिजों की कितनी अवैध ढुलाई हुई, अब इसकी जांच SIT करेगी।
ट्रेनों से खनिजों की कितनी अवैध ढुलाई हुई है, अब इसकी जांच एसएसटी करेगी। विधानसभा के सत्र के समापन भाषण में सीएम हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा, अवैध खनन से जुड़े मामले में रेलवे ने कितनी अवैध और अवैध ढुलाई की सबकी जाँच होगी। इसके लिए राज्य सरकार एसआईटी बनाएगी। केंद्र सरकार को पत्र भेजकर रेल मंत्रालय से भी सहयोग मांगा है। फिलहाल एक खबर दोस्तों, बस इतना ही है। यही थी कुछ आज की सबसे बड़ी तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। उम्मीद है खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऐसे ही खबर पाने के लिए।